दाता को राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और वो भी अपने भाई को ढूंढने वन को चले गए। रुक जाओ भरत, रुक जाओ। तब भरत ने राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या के सिंहासन पर रख दी। तथा उनके राज्य की सेवक की भांति रक्षा की। सीता को यह स्थान अत्यंत मनमोहक लगा तथा श्री राम ने अपना शेष वनवास यहीं बिताने का निश्चय कर यहीं अपनी कुटिया बनाई। निर्जन वन में इतना सुंदर मानव। सूर्प नखा व्याकुल भई, खो बैठी चित चैन, राम रूप को देख के चका चौंध हुए नैन। अंबर से भू पर फिरी, लगा प्रेम का बाण, झुलस उठी प्रेमाग्नि में रहे न प्राण, बस में रहे न प्राण। तुम्हारे मुख की कांति और व्यक्तित्व से तो तुम वनवासी नहीं जान पड़ते हो, तनिक हमारी शंका का समाधान करें। देवी, मैं रघुवंश शिरोमणि अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम हूँ। राम, वाह, कितना सुंदर नाम, जितना सुंदर रूप उतना सुंदर नाम। आप भी अपना परिचय दे देवी। अवश्य, मैं राक्षसों में श्रेष्ठ अजय योद्धा लंका नरेश रावण की बहन सूर्प नखा हूँ और तुम्हारे समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। परंतु देवी, मैंने एक पत्नी व्रत लिया है, यह मेरी पत्नी जनक दुलारी सीता है। तुम चाहो तो लक्ष्मण से पूछ लो। इस प्रकार लक्ष्मण ने भी सूर्प नखा का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। क्रोधित होकर सूर्प नखा ने माता सीता पर आक्रमण कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण सूर्प नखा की नाक काट दी। तुमने मेरा रूप छीना, मेरी नाक काट दी। हर उस रूपवान एवं घमंडी स्त्री को समझना होगा कि अपने रूप का उपयोग करके वो जो चाहे वो प्राप्त नहीं कर सकती, अन्यथा नाक कट सकती है। Thank you.
इनको हमारे राजकोष से पुरस्कार दिए जाए। जो आ गया महाराज। सूर्पनखा रोती हुई अपने भाई रावण के दरबार में पहुंची। भैया, भैया, दुहाई है महाराज, दुहाई है। हमारी नाक पर ये घाव कैसा? ये घाव नहीं, तलवार से मेरी नाक काटी गई है। ये मेरी नाक नहीं, अभी तो लंकापति रावण की नाक कटी है। आप यहाँ राग रंग में बैठे हैं और वहाँ शत्रु ने आपकी सीमा पर आक्रमण करके आपकी छावनी को विध्वंस कर दिया है। अवश्य ही यहाँ देवताओं का काम होगा। नहीं भैया, यह काम एक मानव ने किया है। उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है और मैंने सोचा जिस प्रकार संसार की सभी उत्तम वस्तु रावण के पास है, उसी प्रकार उस सुंदर स्त्री का स्थान भी वहाँ नहीं अभी तो लंका नरेश रावण के राजमहल की शोभा होनी चाहिए। इसलिए मैं जैसे ही उस स्त्री को उठाने लगी तो उन्होंने मेरी यह दशा कर दी महाराज। और आपके लिए चुनौती भी भेजी है कि जाकर कह दो अपने भाई को, यदि उसमें साहस है तो स्वयं आगे ले जाए सुंदरी को। हम तुम्हारे अपमान का बदला लेना अपना प्रथम कर्तव्य समझते हैं। जो रावण काल का निशान है, अग्नि को भस्म कर सकता है, मौत को भी मार डालने की शक्ति रखता है, उसके रास्ते में आने का साहस किसने किया और क्यों किया? माता सीता, आप सही वर्णन कर रही हैं। स्वामी, क्या इस सुंदर हिरण को आप मेरे लिए ला सकते हैं? अवश्य सीता। लक्ष्मण, तुम मेरे लौटने तक सीता की रक्षा हेतु यहीं पर रहना। जो आ गया भैया। सीते, सीते! लक्ष्मण, अति शीघ्र जाओ, तुम्हारे भैया अवश्य संकट में हैं और सहायता के लिए पुकार रहे हैं। जाओ, अति शीघ्र जाओ। परंतु माता, यह भैया की आवाज नहीं जान पड़ती, अवश्य ही कोई छल है। आप धैर्य रखें, संकट उन्हें छू भी नहीं सकता। नहीं नहीं लक्ष्मण भैया, यह समय मेरी चिंता का नहीं है। शीघ्र जाकर अपने भैया की रक्षा करो। ठीक है भाभी, मैं जा रहा हूँ, किंतु आपकी सुरक्षा के लिए गुरु मंत्र द्वारा एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच कर जा रहा हूँ कि जो भी इस रेखा को पार करेगा वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, किसी भी परिस्थिति में आप इस रेखा से बाहर मत आना। ग्रहण कीजिए मुनिराज, कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। मैं इस सीमा रेखा से बाहर नहीं आ सकती। बस करो, बहुत हो चुका, तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। ठीक है,
हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही लौट जाएंगे, किंतु अपने अपमान के बदले तुम्हें श्राप देंगे। नहीं नहीं मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए, मेरी दशा को समझने का प्रयत्न कीजिए। मूर्ख स्त्री, हम तिखाल दर्शी है, हम देख रहे हैं तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण मृग का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है। वही स्वर्ण मृग अब सींग से तुम्हारे पति को आहत कर चुका है। हम शाप देते हैं वही स्वर्ण मृग तुम्हारे पति को। नहीं नहीं मुनिराज, आप मेरे पति को शाप मत दीजिए, मैं वही आती हूँ, मुझ पे दया कीजिए, मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना। सीते जिसके नाग किन्नर असुर राक्षस अर्थात संसार के पूर्ण प्राणी तरह उठते हैं, सूर्य चंद्र जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं, जो संसार के सभी चराचर प्राणियों का स्वामी है, जिसके आने से पत्ते भी भय से थरथरा जाते हैं, अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं लेती, तुम तो ऐसे लंकापति रावण की पत्नी होने के लायक हो। निर्लज्ज, ऐसे पापपूर्ण वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती, कौन हो तुम? तुम्हारा दास लंकापति लंकेश्वर रावण। दुष्ट प्राणी मुझे छोड़ो, बचाओ। मैं आ रहा हूँ। महात्मा जटायु, मेरी इस पापी रावण से रक्षा कीजिए, यदि आप नहीं कर सकते तो वन में जाकर आर्य पुत्र रघुवीर और भ्राता लक्ष्मण को ये सूचना दीजिए। मेरे रास्ते में मत आओ। खोज करते करते राम तथा लक्ष्मण जटायु से मिले। जटायु ने उन्हें बताया कि रावण सीता का अपहरण करके उसे लंका ले गया है। राम तथा लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे थे, तब उनकी भेंट अपने सबसे बड़े भक्त महाबली हनुमान से होती है। से भक्त कहाँ कहाँ ले से हनुमान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। सहायता से राम तथा सुग्रीव की मित्रता हुई। तथा राम ने बालिका वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य वापस लौटा दिया। इस प्रकार सुग्रीव, हनुमान तथा वानर सेना की सहायता से श्री राम ने सीता की खोज आरंभ कर जामवन हनुमान की शक्तियों का स्मरण कराते हैं। अपनी शक्ति को याद करो। पुत्र हनुमान अपनी शक्तियों को याद करके उड़ते हुए लंका पहुंचते हैं, जहां उनकी भेंट रावण के भाई विभीषण से होती है। आप श्री राम के परम भक्त प्रतीत होते हैं। मैं पवन पुत्र हनुमान यहां माता सीता की खोज में आया हूं। प्रणाम पवन पुत्र, माता सीता को अशोक वाटिका में रखा गया है। हनुमान उड़कर अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं। ये क्या करना है? इससे तो मृत्यु उत्तम है। इसका अर्थ यह हुआ कि तुमको अपने रघुवंशी पति के प्रेम और बल पर विश्वास नहीं है। यह तुम क्या कह रही हो त्रिजुड़ा? तीनों लोकों में वही तो है जिस पर मैं तो क्या सारा संसार विश्वास करता है। यदि इतना ही विश्वास है तो फिर मृत्यु की कामना क्यों कर रही हो? उस पापी का अंत अपनी आंखों से नहीं देखोगी? माता, मैं श्री राम का सेवक पवन पुत्र हनुमान हूँ, प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है। पुत्र हनुमान, उनका समाचार सुनाओ। रघुवीर लक्ष्मण दोनों ठीक है?
माता, श्री राम लक्ष्मण ठीक है और वे शीघ्र ही आपको लेने आएंगे। माता, आप मुझे अपनी कोई निशानी दे दीजिए, मैं अपने प्रभु को दिखाकर आपके सुरक्षित होने का प्रमाण दूंगा। प्रस्ताव ठुकरा कर युद्ध के लिए चुनौती दी है। मेरे वानर वीरों, आगे बढ़ो, इस सेतु को पार करके धरती पर से अनीति तथा अधर्म का नाश कर दो। श्री राम के लंका पहुंचने पर भी अहंकारी रावण अपने भोग विलास में मग्न होता है। इस पर राम अपने धनुष से एक बाण छोड़कर उसके मुकुट को नीचे गिरा देते हैं। हे पार्वती पति, हे शिव शंभु, हे महादेव, मेरे पति की रक्षा करें, रक्षा करो, हे कैलाश पति, रक्षा करो। कैलाश रात तो सदा हमारे साथ है रानी, किस कारण अधीर हो रही हो? रघुनाथ की पत्नी सीता को छोड़ दीजिए, अन्यथा अनाथ हो जाएगा। बस करो मंदोदरी, महाकाल भी जिससे डरता है उसकी पति एक छोटे से बाहर से डर गई। जनर, कौन हो तुम और क्या संदेश लाए हो? मैं रामदूत अंगद हूँ और आपके लिए शांति संदेश लेकर आया हूँ। तपस्वी पहले ही हार मान गया। आप श्री राम से क्षमा मांगकर माता जानकी को उन्हें लौटा दें। इस दूत ने अपने जाने का अधिकार खो दिया है, इसी समय इसका सिर काट कर इसे रावण की शक्ति का आभास करा दो। हे लंकेश, यदि आपके योद्धाओं में शक्ति है तो मैं आपके योद्धाओं को चुनौती देता हूँ। मैं अपना पैर आपके दरबार में जमा देता हूँ, यदि आपका कोई योद्धा इसे हिला दे तो मैं वचन देता हूँ कि मेरे स्वामी यहाँ से हार मानकर चले जाएंगे। इस प्रकार महाबलशाली बाली पुत्र अंगद का पैर रावण का कोई भी योद्धा हिला नहीं पाता। फिर अंत में रावण स्वयं अंगद का पैर हिलाने आता है। मेरा पैर क्या पकड़ता है रावण? जा, जाके श्री राम के चरण पकड़।